नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टडी रीडर्स पे दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले हैं नाइन्टीन सेंचुरी के एक पोइट मैथ्यू नॉल के द्वारा लिखी गई एक पोयम जिसका नाम है द जिप्सी दोस्तों मैथ्यू नॉल का जन्म 1822 सौ ईस्वी में इंग्लैंड में हुआ था दोस्तों यह एक पोएट कल्चरल क्रिटिक और ये एक इंस्पेक्टर भी रह चुके हैं दोस्तों इनके पिता का नाम थॉमस आर्नोल था जो इंग्लैंड में रग्बी स्कूल के हेड मास्टर थे दोस्तों तो आज हम लोग जिस टॉपिक पे बात करने वाले हैं उसका नाम है स्कॉलर जिप्सी जिसे मैथ्यू आर्नोल्ड ने लिखा था और इसकी पब्लिकेशन अठारह में हुई थी दोस्तों तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए शुरू करते हैं हम लोग अपनी पोएम द स्कॉलर जिप्सी को तो दोस्तों द स्कॉलर जिप्सी को मैथ्यू आर्नोल्ड ने लिखा था और 1854 में इसकी पब्लिकेशन हुई थी दोस्तों द स्कॉलर जिप्सी का सब्जेक्ट मैटर जोसेफ ग्लैनविल के एक बुक द वैनिटी ऑफ डोग से ली गई है जिसमें बताया गया है कि एक ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट जो कि एक स्कॉलर है पढ़ने में ठीक है लेकिन वह अपनी पढ़ाई छोड़कर जिप्सी के बैंड को ज्वाइन कर लेता है जिप्सी मतलब जो ढेर बकरी चराने वाले होते हैं जो खेतों में काम करने वाले होते हैं उसको बैंड को ज... उसके बैंड को ज्वाइन कर लेता है और उसके रहस्यमय जीवन को जानने की कोशिश करता है दोस्तों तो इसमें इसी को अठारह में मैथ्यू आर्नोल्ड ने लिखा और पब्लिकेशन करवाया दोस्तों यह एक आइडियलिज्म और ट्रुथ का सिंबल है मैथ्यू आर्नोल्ड विक्टोरियन एज के मैथ्यू आर्नोल्ड विक्टोरियन एज के बहुत ही बड़े पोइट हैं दोस्तों यह पोएम मैथ्यू वर्नोल्ड ने जो लिखा उसे वह खेत के किनारे बैठकर और वह भी जिप्सी के को देखना चाहते हैं और उसके जीवन के बारे में जानना चाहते हैं तो यह एक पोस्ट्रलेजी के तौर पर वह दिखाते हैं और बताते हैं इस पोएम में कि जब वह स्कॉलर अपने यूनिवर्सिटी को छोड़कर और जिप्सी के बैंड को ज्वाइन कर लेता है कुछ समय बाद उसके दो यूनिवर्सिटी के फ्रेंड उसको खोजते खोजते उस जिप्सी के बैंड में वो भी आते हैं तो वहाँ पर वह स्कॉलर को देखते हैं और बड़े अचंभित हो जाते हैं कि यह यूनिवर्सिटी छोड़कर और यह जिप्सी के बैंड में ज्वाइन करके यह क्या कर रहा है तभी वह अपने दोस्त को वहाँ से जानने के लिए कहता है लेकिन वह स्कॉलर वहाँ से जाने के लिए मना कर देता है और वह कहता है कि मैं यूनिवर्सिटी से ज़्यादा खुश इस जिप्सी के बैंड को ज्वाइन करके हूँ क्योंकि मैं इनके जीवन की रहस्यमय बातों को जानना चाहता हूँ इनके जीवन जीने का तौर तरीका मैं समझना चाहता हूँ दोस्तों और जीवन का आनंद लेने लगता है उसके सोसाइटी को जीवन जीने लगता है उसके दो फ्रेंड हैं और वह अपने फ्रेंड को बताता है कि यह नॉर्मल लोगों से बिल्कुल अलग ज़िंदगी जीते हैं ये जिप्सी जिप्सी मतलब जो भैर बकरी को चराने वाले होते हैं खेत में खेती करने वाले होते हैं उस तरह के लोग उस समय होते थे इसके बाद पोइट भी ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से कुछ दूरी पर जाकर बैठता है और वह सूरज के डूबने का इंतज़ार करता है ताकि जब वह जिप्सीज अपने बकरी भैर को चराकर वापस अपने घरों में अपने में जाएं तब वह उसे देख पाए और उसके कुछ समय उसके देखकर उसको समझने की कोशिश करे स्कॉलर जिप्सी की कल्पना की एक ऐसी शक्ति का तलाश करता है जो वास्तविकता को बनाने का न केवल प्रतिबिंब है स्कॉलर जिप्सी एक रोमांटिक क्रांति है जो विक्टोरियन भौतिकवाद की औद्योगिक नव विचारों के माध्यम से नहीं बल्कि एक अत्याधुनिक शुद्धि और प्राकृतिक के भीतर सर्वभौमिक आत्मा वाले मनुष्य को पुनः मिलन के माध्यम से दुनिया को बेहतर बनाने की प्रयास करता है तो दोस्तों इस सेशन में आज के लिए इतना ही फिर हम लोग बात करेंगे अगले सेशन में नमस्कार दोस्तों